अच्छा, ये हमारी जो है ये एंटीमलेरियल्स की थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, थर्ड ड्रग है उसकी एंटीमलेरियल्स की, जिसमें है 8 अमाइनोक्विनोलिन्स। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि लास्ट जो आपका था लेक्चर उसमें हमने 4 अमाइनोक्विनोलिन्स दिया था। ठीक है, ये उसी से ही रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ नाम भी तकरीबन सेम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसमें फर्क है, पोजिशन ऑफ एमाइन ग्रुप में, के 4 अमाइनोक्विनोलिन्स में अमाइन ग्रुप जो है वो पोजीशन 4 के ऊपर था, और 8 अमाइनोक्विनोलिन्स में ये पोजीशन 8 के ऊपर है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, बेसिक रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग सेम है, जिसमें क्विनोलिन रिंग आ जाता है। ठीक है, और क्विनोलिन रिंग की कंपोजिशन आपको याद होगी क्या होती है, कि उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग होता है और उसके साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच होता है जो कि पाइरिडीन होता है। ठीक है, तो क्विनोलिन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर आप बाईसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी है, पाइरिडीन। ठीक है, और उसी में ही पोजीशन 8 के ऊपर अमाइनो ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। ठीक है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि इन ड्रग्स में क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है दैट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 8 ऑफ क्विनोलिन रिंग। ठीक है, और जैसे अगर हम इसको लेबल भी करें तो ये आपकी पोजीशन 1 हो गई। ठीक है, ये पोजीशन 2 है, ये आपकी पोजीशन 3 है, सॉरी ये पोजीशन 4 है। ठीक है, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 और ये 8। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो पूरा रिंग है, ये जो रिंग है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, क्यूनोलीन रिंग है। आप अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से डिस्क्राइब करें कि जैसे ये मैं आपको लेबल करके सर्कल करके बता रही हूँ कि ये क्या है हमारे पास, ये दोनों रिंग्स क्या है, क्विनोलिन रिंग है। इसमें ये जो रिंग 1 है ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, और ये जो है सेकंड पे दिस इज पाइरिडीन रिंग, ये हमने 4 अमाइनो क्विनोलिन में ये पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा आज भी स्लाइड नहीं शो हो रही, वेट मैं उसको देखती हूँ जरा। बताएं अब हो रही है, सेकंड स्लाइड आपको शो हो रही है जो जिसमें क्यूनोडीन का रिंग बना हुआ है। जी ठीक है, तो ये है, ये मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमारे पास पूरा रिंग है ना, जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है, ये तो आप जब उसको पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आपने बताना है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्विनोलिन रिंग है। ठीक है, इसमें रिंग 1 जो है वो बेंजीन रिंग है, रिंग 2 जो है ये पाइरिडीन रिंग है। ठीक है, और उसके बाद आप उसको लेबल करेंगे, और लेबलिंग किस तरह से कि ये पोजिशन 1 है, ठीक है, ये आपकी पोजिशन 2 आ गई, ये पोजिशन 3 हो गई, ये पोजिशन 4 हो गई, ठीक है, ये पोजिशन 5 हो गई, ये 6, ये 7, ठीक है, और ये 8। ठीक है, और 8 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम 8 अमाइनो क्विनोलिन्स रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं उसमें आ जाता है पामाक्विन, ठीक है, एंड प्राइमाक्विन, और एक और है दैट इज पेंटाक्विन। ठीक है, तो तीन जो है वो बेसिक इसके अंदर ड्रग्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी केमिस्ट्री है, ठीक
ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ही हम उसका ऐसे आर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है। इसमें मैंने आपको पहले ही लेबलिंग उसकी बता दी है, ठीक है। और अगर लेबलिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप अगर आप अपने राइट साइड पे ये वाला जो जिसको मैंने टिक किया है स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारी पोजीशन 6 बनती है, ठीक है। तो पोजीशन 6 के ऊपर हमारे पास जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एट पोजीशन 6 ऑफ क्विनोलिन रिंग, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है कि दिस कंपाउंड हैज एंटीमलेरियल एक्टिविटी, यानी कि क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 8 अमाइनो क्विनोलिन की पोजीशन 6 के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप है, इट मींस दैट ड्रग इज एक्टिव एज एन एंटीमलेरियल ड्रग, ठीक है। अब हम क्या करें, दूसरी चेंज उसमें क्या करें कि उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम अगर साइड चेन को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, एट अमाइनो ग्रुप। जैसे हमारे पास 4 अमाइनो क्विनोलिन के ऊपर था ना, 4 अमाइनो क्विनोलिन भी ऐसे ही था कि अमाइनो ग्रुप के ऊपर हमने साइड चेन जो है आइसोपेंटाइल साइड चेन, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि उसके ऊपर आइसोपेंटाइल साइड चेन को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो सेम इसमें भी उसी तरह से हम क्या करेंगे कि आइसोपेंटाइल साइड चेन को अगर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एट अमाइनो ग्रुप तो दैट बिकम्स फार्माक्विन, ठीक है। उस ड्रग का नाम क्या हो जाता है, दैट बिकम्स फार्माक्विन। तो दो चेंजेस हमने की हैं 8 अमाइनो क्विनोलिन के अंदर, कि एक तो हमने उसके अंदर 6 मिथॉक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया एट पोजीशन 6, और सेकंड चेंज हमने क्या किया है, हमने उसके अंदर ये जो हमारे पास साइड चेन है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। तो उसको इन दो चेंजेस से वो ड्रग क्या बन जाती है, दैट ड्रग बिकम्स फार्माक्विन, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये करती है हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज जो फार्माक्विन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं कि हम उसकी स्ट्रक्चर में फर्दर क्या चेंजिंग करेंगे और उससे हमारे पास जो है वो क्या स्ट्रक्चर उसका आएगा, ठीक है। क्या ड्रग बनेगी और उसकी थेरापेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि इट कंटेन्स टर्शरी अमाइनो ग्रुप एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, ठीक है। आप अगर पिछला स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, जैसे एक सेकेंड मैं आपको पीछे देख जाती हूँ, ये देखें इसमें हमारे पास जो है ये जो अमाइन ग्रुप है ये, ठीक है, ये क्या है, टर्शरी अमाइनो ग्रुप। अगर हम टर्शरी अमाइनो ग्रुप को, ठीक है, प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, जैसे कि आप अगली स्लाइड पे आ जाए कि हम इस टर्शरी अमाइनो ग्रुप को अगर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। चेंजिंग हमने, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, चेंजिंग हमने क्या की है कि टर्शरी अमाइनो ग्रुप को हमने यहाँ पे प्राइमरी अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या बनता है, हमारी कौन सी ड्रग बनती है, और प्राइमा क्वीन, ठीक है। तो प्राइमा क्वीन जो है दिस इज लेस टॉक्सिक एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग, ठीक है। तो इसको हम जो है दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो इसमें हमने चेंजिंग क्या की है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टर्मिनल जो हमारी टर्शरी नाइट्रोजन थी उसको प्राइमरी नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि उसका SAR, ये यहाँ से SAR स्टार्ट हो रहा है बेसिकली उसका, ठीक है। तो वैसे तो वो एक ही हेडिंग के अंदर आता है कि केमिस्ट्री होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसका SAR को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज उसके लिए नेसेसरी है, किसको हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे और उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है, और मिथॉक्सी ग्रुप किस पोजीशन पे है, पोजीशन 6 के ऊपर, तो दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि उस मिथॉक्सी ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर देंगे विद मिथॉक्सी ग्रुप, तो वो क्या होगा कि वो कंपाउंड जो है वो लेस एक्टिव हो जाएगा और टॉक्सिसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम, ये तो हो गया कि अगर मिथॉक्सी ग्रुप को इथॉक्सी ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, तो फिर अगर हम क्या करें कि मिथॉक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर दें विद
मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये देखो केमिथॉक्सी ग्रुप को अगर हम रिप्लेस कर देंगे विद मिथाइल ग्रुप तो वो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजेंस जो है, अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हेलोजेंस को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो उससे क्या होगा कि कंपाउंड की जो है वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि क्यूनोलिन रिंग जो है दैट इज असेंशियल फॉर एंटीमलेरियल एक्टिविटी, और ये पॉइंट सिमिलर है टू दैट ऑफ फोर अमाइनोक्यूनोलिन्स के, अगर हम पाइरिडीन रिंग को इसी सैचुरेटेड फॉर्म यानी पिपरिडीन में कन्वर्ट कर दें तो उससे कंपाउंड जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका है SAR। अच्छा, उसके बाद है कि अगर पेंटाइल साइड चेन उसके साथ है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिमम उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, लेकिन अगर हम क्या करें कि उस चेन को कम कर दें, ठीक है, उसकी लेंथ को या इंक्रीज कर दें तो उससे उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चेंजिंग हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि ब्रांच जो साइड चेन थी उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें इनटू स्ट्रेट चेन, ठीक है, तो वो क्या होगा, पेंटाक्लीन बन जाएगा विच इज थर्ड ड्रग ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है। तो वो क्या होगी कि अगर हम यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, ठीक है, इस चेन, ये चेन पहले क्या थी, ब्रांच थी, लेकिन अगर हम उस ब्रांच चेन को स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास पेंटाक्लीन बनती है, ठीक है, और इसकी एक्टिविटी इट हैज लेस एक्टिविटी एज कम्पेयर टू बोथ पामाक्विन एंड प्राइमाक्विन, ठीक है। तो ये तीन ड्रग्स हैं और ये इसकी केमिस्ट्री है कि किस तरह से हम उसकी चेंजिंग कर सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर के अंदर और उससे हमारे पास क्या ड्रग बनती है और उसकी क्या एक्टिविटी आती है, ठीक है। ये तो होगी इसकी केमिस्ट्री एंड SAR ऑफ दिस ड्रग। उसके बाद आ जाए सिंथेसिस, ठीक है। तो सिंथेसिस मैंने आपको, जब हमने फोर अमाइनोक्विनोलिन भी किया है तो मैंने आपसे कहा था कि हम ना जितनी इसमें से इसमें ड्रग है किसी एक इम्पोर्टेंट ड्रग की सिंथेसिस कर लें तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, फार्माक्विन की कि सबसे पहले ग्लिसरोल है, ग्लिसरोल का सल्फ्यूरिक एसिड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है इसको ऐसा यूज कर रहे हैं हम, और हमारे पास क्या बनता है, प्रोपीन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ग्लिसरोल की हमने क्या की, डिहाइड्रेशन की इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोपीन एल्डिहाइड, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्रोपीन एल्डिहाइड जो है ये 4-methoxy-2-nitroaniline के साथ रिएक्ट करके 2-methoxy-2-nitroaniline प्रोपीन एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। यानी ये क्या करेगा कि ये दो आपस में रिएक्ट करके 4-methoxy-2-nitroaniline प्रोपीन एल्डिहाइड बना देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसी ये जो 2-methoxy-2-nitroaniline प्रोपीन एल्डिहाइड है इसी की हम टॉटोमेरिज्म करते हैं और इसका क्या करते हैं, आइसोमर बनाते हैं, ठीक है। तो यानी क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास 2-methoxy-2-nitroprolpine एल्डिहाइड थी, ठीक है, इसको हम इसके इनोल फॉर्म में, कीटो फॉर्म को उसके इनोल फॉर्म में यानी उसका टॉटोमेरिज्म करके उसका आइसोमर बना देते हैं, ठीक है। और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसकी आइसोमेरिज्म करते हैं इस टॉपिक के। अब जो हमारे पास उसकी इनोल फॉर्म आई है, ठीक है, उसकी फर्दर हम साइक्लाइजेशन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी उसी स्ट्रक्चर की रीअरेंजमेंट कह लें आप, ठीक है, या उसमें जो है वो रिसाइक्लाइजेशन होती है और उससे हमारे पास क्या बनता है, 8-nitro-6-methoxy-dihydroquinoline which is oxidized to, अच्छा, फर्दर उसके फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हमारे पास 8-methoxy-2-nitroquinoline बनती है, ठीक है। और ये जो 8-methoxy-2-nitroquinoline है इसकी रिडक्शन से हमारे पास हमारा जो मेजर आप कह लेंगे स्ट्रक्चर है वो बनता है विच इज 8-6-methoxy-quinoline, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमारे पास उसका बेसिक जो बैकबोन है, ठीक है, या स्केल्टन है वो बन गया, अब हमने इसे फर्दर जो है वो साइड चेन को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो साइड चेन में क्या होगा कि यही 8-6-methoxy-quinoline जो है ये 2-chloro-diethylamino के साथ माइनोपेंटेन से के साथ रिएक्ट करके पामाक्विन बना देती है, ठीक है। तो ये यही हमारी जो है ये ड्रग ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है।
आगे है उस थेरेप्यूटिक यूजेस के, दिस इज एक्टिव अगेंस्ट हेपेटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम. क्या मतलब है कि जब लीवर के अंदर इंफेक्शन है आपके, ठीक है, यानी वो अभी बर्स्ट नहीं हुआ टूवर्ड्स द एरिथ्रोसाइट्स, तो हम क्या करते हैं उसका हेपेटिक स्टेज के ऊपर ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं. और ये क्या करता है, रेडिकल क्योर प्रोवाइड करता है एट हेपेटिक स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी स्पीशीज, वाइवैक्स और वेल के लिए, ठीक है. तो ये क्या करता है कि ये गेमेटोसाइट्स के ऊपर भी एक्ट करता है. यानी क्या मतलब है कि जो उसके गेमेट्स बनते हैं, ठीक है, जिनको वो पिकअप करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, उस पेज के ऊपर भी इसको यूज किया जाता है. और इसको एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग भी यूज किया जाता है. फिर अभी उसका इन्फेक्शन फैला नहीं होता, या आप कह लें कि कैरियर तो बंदा बन गया होता है, ठीक है, तो अभी उसका एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो उस स्टेज पे भी उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा जो है, दिस ड्रग इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद क्लोरोक्विन, ठीक है, फॉर कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया. और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है कि हीमोलाइसिस इन G6 फेज डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंट पीपल, ठीक है, यानी उनमें क्या करेगा, हीमोलाइसिस पास करता है. तो ये है टोटल 8 अमाइनो क्विनोलिन्स, ठीक है. आपका अगर कोई क्वेश्चन है किसी तरह से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं. और ये आपका टोटल है, और इसके ऊपर एज इट इज इसी तरह से ही क्वेश्चन आता है और 20 नंबर का होता है. और उस 20 नंबर के अंदर आपने ये सब चीजें मेंशन करनी होती है इसी तरह से, सेम सीक्वेंस और सेम जो है मटेरियल आपका.